हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं विजय डीके से। तो विजय डीके का भी एक पॉडकास्ट देखने को मिला है अफेक के साथ में, जिसमें वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। खैर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विजय डीके को काफी लोग जो है वो एमसी स्टैन की कॉपी कहते हैं, क्योंकि दोनों का साउंड काफी सिमिलर सा है। तो इस चीज के बारे में उनसे पॉडकास्ट में पूछा जाता है, तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं। भाई क्या है, गुस्सा तो आता है भाई, नहीं क्या मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की ईंट बज जाती है। बाकी मेरा ऐसा सीन मालूम क्या भाई, भाई ना बोल के नहीं दिखाना चाहता कि लाइक मतलब नहीं मत करो ये सब और ये वो फक दैट शिट ब्रो। अपने को ना भाई पब्लिक को साबित कर दिया दिखाने का कि विजय डीके कौन है। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, बट सच छुपता नहीं है भाई, समझ रहे तू। सच है ना, सच ऐसी चीज है ना भाई जो एक ना एक दिन पब्लिक के सामने रिवील हो जाएगी भाई। क्या सही है तो भाई, आज पब्लिक इसलिए कर रही, मैं तुमको बता रहा ना भाई, ये पब्लिक है ना ये सब शिट इसलिए करेगी क्योंकि पब्लिक को व्यूज आता है भाई। ये नहीं करेगी तो पब्लिक व्यूज नहीं आएगा भाई। आज मैं हूँ, कल कोई और शिकार बन जाएगा भाई वो चीज़ का, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आज मेरा टाइम है भाई, पब्लिक आज मेरे को नाम दे दी है, कल कोई मेरे जगह पे रहेगा भाई उसको दबाएगी। बट भाई एक ही बोलूंगा, आर्टिस्ट को एक ही बोलूंगा भाई, पब्लिक बहुत रुकाने का और गिराने का काम करती है, बट रुकूंगा तुम लोग आज अपन सुने नहीं भाई मेरे को। डे वन से पब्लिक कब से यार भाई मेरे को सब पोक कर रही है, बट अपन भाई आज भी है ना भाई सही है, कुछ दिन इग्नोर करने का भाई सब चीजों को। क्या बात है ब्रो, लाइक मजा आ गया भाई। जो चार दीवार के अंदर बैठे ले, कौन से घर में किधर रहते क्या मालूम नहीं, कुछ नहीं, बस कमेंट कर रहे और ये कर रहे, चोरी कर रहे बस ऐसा। तो क्या भाई, क्या जवाब देने का लोगों को भाई, कुछ लोग मतलब नहीं है भाई, गिनती में ही अपने लोग के लिए वो सब चीज के बारे में बात करने के लिए। और बहुत लोग है भाई जो बोलते हैं मेरे को ऐसा सामने से भाई कि तू मेरे को ऐसा दिखता है और मैं हंसता हूँ भाई, खाली हंस के छोड़ देता हूँ भाई, शुक्रिया भाई। कोई भी बोलता जान दो भाई बताओ ये टॉपिक यूज। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला है एमयूबे, एमयूबे हार्ड हार्ड डिवाइन लेगेसी लेगेसी एमसी स्टैन सिक सिक नाइस रफ्तार हार्ड हार्ड कृष्णा एक नंबर, एक नंबर है। अच्छा तुम्हें कृष्णा सुनते हो भाई, तुम्हें मतलब अच्छा लगता हो। यस यस सुनता हूँ भाई, सबको सुनता हूँ, ऐसा मत बोलो, सबको सुनता हूँ भाई। तो बात कर लेते हैं वृषभ के बारे में। तो अभी वृषभ की तरफ से एक और स्टोरी देखने को मिली है, कलमकार एंड रफ्तार, कीप माय मनी एंड हैव फन बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर पेपर्स ऑफ फ्रीडम। खैर नेक्स्ट अपडेट एमसी अल्ताफ की साइड से। तो एमसी अल्ताफ ने अपने इंस्टा पे एक Q&A रखा था, जिसमें उनसे पूछा जाता है ईपी के बारे में कुछ डेट, किस किस के साथ ट्रैक्स होंगे। तो वो रिप्लाई करता है गाने तैयार है, सिर्फ फाइनल टचेस बाकी है, ड्रॉपिंग एनी टाइम सून। सिद्धू बाई वाला गाना कब आएगा, तो वो लिखता है ये महीना इंशाल्लाह। तो डिवाइन और सिद्धू मूसे वाला का जो ट्रैक है उसके बारे में यहाँ पे शायद बात हो रही है। व्यू ऑन बीफ हिट एम अप बाय टूपाक बेस्ट ट्रैक है, टॉप 5 फेवरेट रैपर्स इन इंडिया, डिवाइन इक्का सम्मोहित जे ट्रिक्स गली गैंग। तो अब बात कर लेते कलम इंक के बारे में। तो कलम इंक जो है वो एमसी स्क्वायर और सिकंदर कालो के साथ देखने को मिले थे। तो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ टेक्स्ट डालते हैं, चार दिन बाकी कोल्ड वर्ल्ड इट इज, कैसा लग रहा तुम लोगों को दो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन के। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।